किया जाएगा। साथियों, गरीब की परेशानी, गरीब की दिक्कत को जो समझते हैं वही उनके लिए काम करते हैं। गरीब 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 के माला जप करके मूर्ख बनाने के खेल कहने वाले, अपने महल बनाने वाले, अपने परिवार के दूर दूर के रिश्तेदारों के लिए महल बनाना, चाचा के मामा के मामा का बेटा भी खाओ, किसका है माल खाओ, सब कुछ अपने कुनबे के लिए करने वाले लोगों को, भाइयों बहनों, ये लोग कभी आपका दर्द नहीं समझ सकते हैं। अगर उन्होंने दर्द समझा होता तो आपको इस हालत में जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। भाइयों और बहनों, कोसी और सीमांचल सहित बिहार का एक बड़ा क्षेत्र पानी के कुप्रभाव और पानी के अभाव दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करता रहा है। बीते सालों में एनडीए सरकार ने प्रदूषित पानी के प्रभाव और साफ पानी के अभाव दोनों को कम करने के लिए निरंतर काम किया है। कोरोना काल में ही बिहार में 60 लाख से ज्यादा परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा दी गई है। अररिया पूर्णिया सहित सीमांचल के अनेक जिलों में भी हर घर तक जल पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, बिहार के विकास का सपना, बिहार में कनेक्टिविटी सुधार कर उसके बिना आधुनिकता की तरफ नहीं जा सकते हैं, और इसलिए हम उस पर भी पूरी ताकत से लगे हैं। बेहतर कनेक्टिविटी अपने साथ उद्यम, उद्योग और रोजगार के नए अवसर, तीनों एक साथ लेकर के आती है। यही वजह है कि अटल जी के समय इस इलाके में सड़क संपर्क सुधारने पर बहुत ध्यान दिया गया था। यही वजह है कि जब पीएम पैकेज का ऐलान किया गया था तो उसमें सबसे ज्यादा जोर बिहार में कनेक्टिविटी सुधारने पर दिया गया। फारबिसगंज जोगबनी रोड हो या फारबिसगंज सीतामढ़ी रोड हो, ऐसे अनेक हाईवे के निर्माण और चौड़ीकरण पर इस क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। जोगबनी विराटनगर और अररिया गलगलिया जैसी नई रेल लाइनों के आधुनिकीकरण पर यहां 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया भी चल रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार की कनेक्टिविटी को लेकर जितना काम आज हो रहा है उतना बिहार में कभी नहीं हुआ। हमें इन कामों को रुकने नहीं देना है। साथियों, कनेक्टिविटी को लेकर हमारे प्रयासों का एक बड़ा प्रमाण है कोसी महासेतु। ये कोसी महासेतु आपकी तीन तीन पीढ़ियों के दिल दिमाग में छाया हुआ है। दशकों पहले कोसी का पुराना पुल टूटने के बाद फिर कोसी पर पुल बन नहीं पाया था। दशकों से ये हमारे प्यारे मिथिलांचल को एक प्रकार से बटा हुआ हाल था। अब कोसी महासेतु के निर्माण के बाद ये पूरा क्षेत्र फिर से एक बार एक हुआ है। ये महासेतु अब लोगों का समय भी बचा रहा है और लोगों का पैसा भी बचा रहा है।